Hello students, welcome back. I am Gaurav Sharma, your physics teacher. Today we are going to start physics of class 9th, chapter 8, motion, video part 9. And today's topic is numerical problems by graphical method. Last video mein humne equations of motion derive kari thi by graphical method. Aaj hum unhi teenon equations ka use karke हम आज कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व होंगे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी हुज वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज शोन बिलो. मतलब एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, उसमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है. तो वी नो दैट द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एरिया अंडर द स्लोप. जो भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप होता है उसके नीचे का जो एरिया होता है, अगर उससे हम कैलकुलेट कर दें तो वो हो जाता है डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ हम वही फाइंड करेंगे डिस्प्लेसमेंट. यहाँ जो स्लोप है वो क्या है, ए बी बी सी एंड सी डी. तो ए बी बी सी और सी डी, इन तीनों के नीचे जो लाइन के नीचे तीनों जो एरिया है उसे हम फाइंड करेंगे, वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया है. अब यहाँ जो आपको ग्राफ में जो भी कर्व दिख रहा है वो क्या है, ट्रेपेजियम. जो एक फिगर बन रही है वो ट्रेपेजियम बन रही है. तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें फाइंड करना है ए बी सी टी. इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है. तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. तो यहाँ पैरेलल साइड्स क्या है, बी सी एंड ए डी. और हाइट क्या है, यहाँ बी ई भी कह सकते हैं या फिर हम सी एफ भी कह सकते हैं. तो 1/2 बी सी प्लस ए डी इनटू बी ई. तो बी सी क्या है, यहाँ बी सी इज 6, क्योंकि 8 में से हम 2 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 6. और यहाँ ए डी जो है वो 10 एंड बी ई इज ऑल्सो 10. देन 1/2 6 प्लस 10 16 इंटू 10. देन क्या आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 से हम 16 को 8 टाइम्स काटेंगे तो 8 टेन ज़ा 80 मीटर. तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 80 मीटर. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, यूज द फॉलोइंग डेटा, ड्रॉ टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट. तो हमें ये एक डेटा दे रखा है टाइम और डिस्प्लेसमेंट में, इससे हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है इन ये वैल्यूज़ से. और उसके बाद हमें फाइंड करना है, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी फॉर फर्स्ट 4 सेकंड. पहले 4 सेकंड में हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है एवरेज, नेक्स्ट 4 सेकंड में उसके फाइंड करनी है, और लास्ट 6 सेकंड में भी हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है. सबसे पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे. तो वी नो डैट टाइम जो होता है वो हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं और डिस्प्लेसमेंट जो है वो हम y एक्सिस पर लेते हैं. तो s हम जो होता है s डिस्प्लेसमेंट वो हम y एक्सिस पर लेंगे. तो हम यहाँ जो ग्राफ है उसको ड्रॉ करेंगे. तो इसमें वैल्यूज़ दे रखी हैं उससे हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे. तो जैसा आप देख रहे हैं ये ग्राफ ड्रॉ हो चुका है. इसके बाद हम फाइंड करेंगे एवरेज वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट 4 सेकंड. तो फर्स्ट 4 सेकंड के लिए हम फाइंड करेंगे. तो फर्स्ट 4 सेकंड यहाँ क्या हो रहे हैं, सो यहाँ टाइम जब 0 सेकंड था तब डिस्प्लेसमेंट भी 0 था, और जब टाइम 4 सेकंड हो गया तब डिस्प्लेसमेंट 4 हो गया. तो हम क्या करेंगे, 4 माइनस 0, मतलब जो डिस्टेंस था डिस्प्लेसमेंट था उसमें से 4 माइनस 0 करेंगे अपॉन टाइम जो है वो 4 सेकंड. तो इक्वल्स टू आ गया 1 मीटर पर सेकेंड. अब हम फाइंड करेंगे इसके नेक्स्ट 4 सेकंड की एवरेज वेलोसिटी. तो नेक्स्ट 4 सेकंड इसमें कहाँ होंगे, जब 4 से 8 सेकंड होंगे. तो ये नेक्स्ट 4 सेकंड हुए. तो यहाँ टाइम क्या है, 4 सेकंड. तो 4 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट क्या था, 4 मीटर. एंड 8 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना था, 4 मीटर. मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा, जब हम डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है. तो जब 4 पे ही था तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्लोप जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा. इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी यहाँ क्या है, 0. एंड नेक्स्ट है लास्ट 6 सेकंड. लास्ट 6 सेकंड में एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो लास्ट 6 सेकंड क्या हो जाएंगे, 10 से लेके 16 सेकंड तक. तो 10 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो है 6 मीटर. एंड 16 सेकंड पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 0. तो यहाँ हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 माइनस 16 अपॉन 6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -6/6 इक्वल्स टू -1 मीटर पर सेकेंड. और द बॉडी इज मूविंग टूवर्ड्स द ओरिजिन, मतलब जो बॉडी है वो ओरिजिन की तरफ दोबारा आ गई. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज शोन बिलो. यहाँ एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक दे रखा है, वेलोसिटी एक बॉडी का.
तो उसमें ए जो है फर्स्ट पूछा रहा है स्टेट द काइंड ऑफ मोशन रिप्रेजेंट बाय ओ ए एंड ए बी. इसमें ओ ए और ए बी जो है वो किस तरीके का मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं. सेकंड, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 10 सेकंड एंड आफ्टर 40 सेकंड. मतलब 10 सेकंड के और 40 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी फाइंड करनी है. एंड व्हाट इज़ द नेगेटिव एसेलरेशन ऑफ द बॉडी. अब इसमें जो एसेलरेशन जो हो रहा है नेगेटिव उसको बताना है कितना होगा. फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 10th and 38th second. मीन्स 10th second और 38th second पर हमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उस ऑब्जेक्ट ने. सो द फर्स्ट आंसर इज काइंड ऑफ मोशन. तो ओ ए जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है वी टी ग्राफ के बीच में. तो आपको मालूम है स्ट्रेट लाइन क्या होती है, यूनिफॉर्म एसेलरेशन. तो यहाँ ये क्या है, ओ ए रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म एसेलरेशन. मतलब वो इक्वल वेलोसिटी कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. एंड सेकेंड ए बी, तो ए बी जो है वो एक पैरेलल लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस. तो टाइम एक्सिस के पैरेलल मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो कॉन्स्टेंट है. और इसे हम ये भी कह सकते हैं कि ए बी जो है वो जीरो एसेलरेशन भी है. नाउ द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड. तो 10 सेकेंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, जो ए पॉइंट पर रिप्रेजेंट हो रही है 20 मीटर पर सेकेंड. एंड द वेलोसिटी आफ्टर 40 सेकेंड. तो 40 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या है, 40 पे जो है वो जीरो पे आ जाता है. तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो. थर्ड वन इज नेगेटिव एसेलरेशन. तो यहाँ नेगेटिव एसेलरेशन कब हो रहा है, जब स्लोप जो है वो नेगेटिव हो रहा है. मतलब बी सी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव स्लोप. तो यहाँ हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो है उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो माइनस 20, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल. तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो, और इनिशियल क्या हो गई, 20. तो जीरो माइनस 20 अपॉन 40 माइनस 30 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये आ गया नेगेटिव एसेलरेशन. एंड द लास्ट वन इज डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन 10th and 38th second. मतलब 10th और 38th second के बीच का कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. तो उसे हम फाइंड करेंगे जो भी स्लोप ए बी है उसके अंडर का एरिया. सो ए बी जो स्लोप है उसके नीचे का जो एरिया है वो क्या है, एक रेक्टेंगल है. तो रेक्टेंगल ए बी ई एफ का एरिया हमें फाइंड करना है. तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ. तो लेंथ क्या है यहाँ, ए बी इंटू ए एफ. तो ए बी क्या है यहाँ, ए बी जो है वो 30 माइनस 10, और ए एफ क्या है यहाँ, 20. सो 30 माइनस 10 20, और 20 इंटू 20 400 मीटर. तो डिस्टेंस क्या हो गया यहाँ, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 400 मीटर. Here the chapters end with this video. Goodbye. Stay at home and stay healthy. Thank you. Please like and share my YouTube videos and also subscribe my YouTube channel. Thank you.